अक्षय भाई, मैंने सुना आपके फिल्म कैंसर बोर्ड मेरा मतलब सेंसर बोर्ड रिलीज नहीं होने दे रहा है। अबे ये सब तेरी वजह से हो रहा है ना। तूने आदिपुरुष बनाई होती ना, सेंसर बोर्ड वाले मेरी फिल्म पर कैच जलाते। तूने आदिपुरुष में जो गलतियां करी ना, उसकी सजा मैं भुगत रहा हूँ। हाँ भाई, आदिपुरुष के बाद पब्लिक ने सेंसर बोर्ड वालों को भी बहुत तोड़ा, इसलिए वो अभी रिस्क नहीं लेंगे बिल्कुल। मैंने गलती कर दी इस टॉपिक पे फिल्म बना के। सोच रहा था मैं यूथ को एजुकेशन मिलेगा, जानकारी मिलेगी, लेकिन इनको ये गलत लग रहा है। इस टॉपिक पे फिल्म नहीं बनाते भाई, इस टॉपिक पे डॉक्यूमेंट्री बनाते। हर चीज में आप भगवान का एंगल डाल दोगे तो फिर कैसा होगा भाई, फिर तो कॉन्ट्रोवर्सी होगी। अच्छा, ये कॉन्ट्रोवर्सी चाहे निगेटिव हो मेरे तो काम नहीं आएगी। ऐसा होगा तो इस बार मेरी फिल्म जरूर चलेगी, और कॉन्ट्रोवर्सी पठान के साथ भी हुई थी जिसका उसे फायदा हो गया। चलो, पठान फिल्म कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से नहीं चली रही, वो सिर्फ मेरी वजह से चली, क्योंकि मैं बॉलीवुड का किंग हूँ। हाँ तो मैं भी बॉलीवुड का खिलाड़ी हूँ। अक्षय भाई एक बात बताओ, अगर आपने पिछले 2 सालों में हेरा फेरी 3 या फिर भूल भुलैया 2 बनाई होती ना, तो आपका स्टारडम आसमान छू रहा होता। लेकिन आप रक्षाबंधन और राम सेतु के चक्कर में कठपुतली बन गए, और सेल्फी बनाने के चक्कर में सेल्फिश बन गए। हमें रुक जा, इतना सच मत बोल, दिल को दर्द होता है, तेरे जैसा पत्थर का दिल नहीं है मेरा। अबे बात तो सही की चमका धंडे, अगर इन 2 सालों में तूने हेरा फेरी कर दी होती तो वो करोड़ों में कमाती, और अगर तूने भूल भुलैया 2 भी कर ली होती तो वो भी करोड़ों में कमाती, ब्लॉकबस्टर हो जाती। जो फिल्में करनी थी वो नहीं की, रक्षाबंधन और राम सेतु कर दी, ऐसी फिल्में बनाएगा तो फिर कैसे चलेगा। ओ भाई साहब, मेरे बच्चन पांडे और सेल्फी को भूल गए क्या? अबे वो भी बनाई मैंने। अबे इतनी फिल्में बनाता है कैसे कोई याद रखूं मैं? बस राम सेतु रक्षाबंधन याद है मुझे, मैं कोई खाली फिली बैठा हूँ क्या जो तेरी इतनी सारी फिल्में देखूं? रोहित शेट्टी भाई, सूर्यवंशम का पार्ट 2 लेके आ जा, मुझे सुपरहिट फिल्म चाहिए। क्यों भाई, आपको भी वो खीर खानी है क्या? मतलब सूर्यवंशम नहीं भाई, सूर्यवंशी। अबे क्या करूं, भूल जाता हूँ, इतने फिल्में करता हूँ, नाम थोड़ा भूल जाता हूँ साला। ओए मुझे पता था, कोई और नहीं लेकिन अक्षय कुमार मेरे फिल्म के साथ क्लैश जरूर करेगा। और लेकिन गदर को हल्के में मत लेना, ये फिल्म सबको खा जाएगी और डकार भी दिलेगी। अबे मेरी फिल्मों की कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है जिसका मुझे फायदा होगा, समझ गए क्या? ऐसी फिल्में बनाओ कि 4 लोग कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी कर दे। और ये आजकल बॉलीवुड में चल क्या रहा है, फिल्में बाद में बनती है और कॉन्ट्रोवर्सी पहले हो जाती है। कॉन्ट्रोवर्सी में कॉन्ट्रोवर्सी, और कब तक चलेगी ये कॉन्ट्रोवर्सी? बंद करो ये कॉन्ट्रोवर्सी। हम साउथ में फिल्में बनाते हैं और वहाँ कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होती, लेकिन फिर भी फिल्में अच्छी चलती है। हाँ भाई, मैंने आपके साथ आदिपुरुष बनाई थी, कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं हुई और फिल्म भी बहुत बढ़िया चली। भाई तुमने कब साउथ की फिल्म बनाई? मैं आदिपुरुष फिल्म की बात कर रहा हूँ। अबे उसकी बात मत कर, मैं भूल गया, तू भी भूल जा। चलिए कमेंट पढ़ते। प्रभु दत्त प्रधान, एवरीथिंग इज टेम्पररी बट चमकादड़ इज परमानेंट। बहुत बढ़िया भाई, रिसेंट टाइम में मैं तुम्हारी सारी वीडियोस देखता हूँ, थैंक यू भाई। आप चाहे तो चमकादड़ को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाली है। हाँ भाई, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तरबेज हसन, व्हेनेवर आई गेट डिस्टर्ब आई स्टार्टेड टू वॉच स्पूफ ट्यूब, थैंक यू भाई। पूजा शिम्पी, चमकादड़ इज सुपर सुपर फनी। जय क्रेजी रोस्टर, गदर 2 तूफान कहकर नहीं आता है, आएगा तो सबको उड़ा ले जाएगा। ये मैं पढ़ता हूँ भाई, रुको। मुकेश भाई बोल रहे हैं, मेरे को चमकादड़ की आवाज बहुत पसंद है, उसको रिप्लाई भी दिया बहुत लोगों ने, देखो। सेम, चमकादड़ मेरे को बहुत पसंद है, नोटिस किया, उसका वॉइस निंजा हथौड़ी के जैसा है। अरे भाई ऐसा नहीं है, बच्चे की आवाज आता है चमकादड़ का। नहीं भाई मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, मजाक कर रहा हूँ भाई। चमकादड़ की वजह से मैं वीडियो देखता हूँ। हाँ लेकिन साला ये लोग मुझे, मेरे डायलॉग बहुत कम रखते हैं, साला मेरे डायलॉग देखते नहीं ये लोग। यूजर HK7FQ3FE, क्या है ये? बेस्ट कॉमेडी चैनल स्पूफट्यूब, अक्षय कुमार वॉइस इज बेस्ट। जय ना शुभ्रंशु, नाउ अक्षय कुमार इज बैक इन बॉलीवुड, OMG2 इज फार बेटर देन आदिपुरुष, OMG2 विल बी सुपर हिट। दोस्तों ऐसी वीडियोस देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ट्विटर में भी फॉलो करो, फेसबुक में भी फॉलो करो, सब जगह फॉलो करो। धन्यवाद।